इसराइल और हमास के बीच की आपसी जंग से पूरा मिडिल ईस्ट अब युद्ध का मैदान बन गया है। इसराइल ने हाल ही में गाजा के रफा शहर में टैंक और सेना भेजकर वहां कब्जा कर रखा है, लेकिन इसके उलट इसराइल का दुश्मन हिजबुल्ला उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। हिजबुल्ला लगातार इसराइली सैन्य चौकियों, उसके टैंक और जासूसी उपकरणों पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के किरियत शमोना बस्ती पर एक के बाद एक कुल 35 रॉकेट दाग डाले, जिससे कई पहाड़ियों पर बसे घरों और बस्तियों में आग लग गई जो अभी भी जल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर बस्ती को खाली करना पड़ा। बस्ती के प्रमुख अविचाई स्टर्न ने कहा कि 20 रॉकेट बस्ती में गिरे, जिसके चलते दर्जनों घर, इमारतें और वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि बाकी 15 रॉकेट को आयरन डोम ने रोक लिया। ऐसा पिछले कई महीनों से हो रहा है और हमें कितना समय भुगतना पड़ेगा ये भी नहीं पता। अविचाई स्टर्न ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की आलोचना भी की, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्जे वाले उत्तरी फिलिस्तीन में किरियत शमोना बस्ती 7 अक्टूबर 2023 के बाद से खाली करने वाली सबसे बड़ी बस्ती बन गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में एक इजरायली अखबार ने इसे घोस्ट टाउन का भी नाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बस्ती में सब कुछ बंद पड़ गया है। आपातकालीन सेवा कर्मियों ने भी सभी बस्तियों को खाली कर दिया है। यातायात बेहद कम है, जिससे सिग्नलों को बंद करना पड़ गया। केवल एक सुपरमार्केट खुला रहता है, लेकिन दोपहर के समय इसके भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। हिजबुल्ला के हमलों का कहर कुछ ऐसा है कि किरियत शमोना से भागे अधिकांश निवासियों ने वापस न लौटने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60,000 से अधिक निवासियों ने उत्तर छोड़ दिया है और वर्तमान में होटलों किराए पर या रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ रह रहे हैं। फिलहाल तो हिजबुल्ला से निपटना नेतन्याहू के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, लेकिन रफा पर कब्जे के बाद से इजरायली सेना को दो फ्रंट में बांटकर, जिसमें पहला रफा और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर, हिजबुल्ला को जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है।